बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी. थ्री फोर मिनट नॉट डोंट जी जी मेरा सिर्फ तीन मिनट का है. एक तो मुझे एक ऐसे मुद्दे पे बोलने का आपने मौका दिया है जिसको मैं समझता हूँ कौशल विकास जो हमारे सी आर पाटिल साहब ने ये लेके आए और ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के हर युवा को समृद्ध बना सकता है. सदन का कोई भी व्यक्ति इससे असहमत नहीं हो सकता, सशंकित हो सकता है कि पता नहीं इसकी सफलता कितनी होगी, लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी जी इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं और मुझे लगता है ये देश का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है क्योंकि ये हर मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. और मेरे जैसा व्यक्ति अगर आज यहाँ खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, माननीय सभापति जी, मैं एक गाँव का व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ाई से मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी. मैं गाना गाता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरा गाना मुझे एक अच्छी जगह पहुंचा सकता है और मैं एक दिन संसद में भी बोल सकता हूं. मैं समझता हूं हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ एक ऐसा स्किल है जिसको आगे लाने की जरूरत है. और निश्चित रूप से कल तक जैसे हमारे कई साथियों ने कहा कि क्या लोहार का बेटा लोहार, राजमिस्त्री का बेटा राजमिस्त्री, क्या नाई का बेटा नाई, हम समझते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संस्थागत रूप से इन सारी चीजों को रखा है आने वाले समय में इसका पूर्ण लाभ हमारे देश के युवाओं को मिलेगा, मेरा विश्वास है. मैं एक विषय पे बहुत चिंतित हूं उपसभापति जी कि आखिर राजमिस्त्री जैसे लोगों को, नाई जैसे लोगों को, लोहार जैसे लोगों को, हमारे गांव में एक राजमिस्त्री है जो कि चार गांव में घूम घूम करके काम करते हैं, मेरी ये चिंता है कि इनको अपने कार्य से विरक्ति क्यों हो रही है. हमारे देश की सरकार और ये सदन उनको सम्मानित कैसे महसूस करा सकता है. मुझे लगता है अगर इस पर हम काम करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कोई ऐसा राजमिस्त्री को पद्म अवार्ड दिया गया क्या जिसने बहुत अच्छा काम किया, किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा राष्ट्रीय सम्मान मिला जिसके कारण उसको इस कार्य में लगने की प्रेरणा मिले. बहुत ही दुखद विषय है जो हम देखते हैं टीवी पर कि लोग अपने अपने बच्चों को नकल करा रहे हैं परीक्षा में, अभी हम टीवी पे देख रहे हैं. ये मानना पड़ेगा, अभी अभी बिहार में देखा गया लोग चार चार मंजिल पर चढ़ के अपने अपने बच्चों को नकल करा रहे हैं. मैं जो व्यवस्था नहीं संभाल रहे उनका कितना दोष है तो वो जाने, लेकिन मैं हर उन माता पिता को, उन बच्चों को बोलना चाहता हूं कि डिग्री समृद्धि का आधार नहीं है. सिर्फ डिग्री समृद्धि का आधार नहीं है, आपको हुनर पे आना पड़ेगा. मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले मेरे दो तीन तीन सुझाव हैं जो हमारे बड़े भाई के समान राजीव प्रताप रूड़ी जी जरूर ध्यान देंगे. जगह जगह पर आज हमारे जो फिल्मों में काम करते हैं लोग, जो दिन भर सिर्फ क्राउड के रूप में काम करते हैं, उनको 1000 रुपया 1100 रुपया प्रतिदिन मिलता है, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है. हमारे यहाँ एक डायलॉग बोलने वाले को 5000 रुपया मिलता है, लेकिन उनको ट्रेन करने की व्यवस्था नहीं है. अगर हम फोक म्यूजिशियन को, उनको ट्रेन करने की जरूरत समझे, एक फोक म्यूजिशियन एक दिन बजाने का 5 से 6 हजार रुपया लेता है, लेकिन उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था फोक आधार पर नहीं है. मैं समझता हूँ इसके अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे तो हम इस स्किल डिपार्टमेंट को और भी आगे लेके जा सकते हैं. और एक हमारे किसी सदस्य ने बहुत ही अच्छा कहा कि हम खेती के प्रति आकर्षण कैसे पैदा करें, ये भी हमारे स्किल का एक हिस्सा होना चाहिए. आपने मुझे मौका दिया और मैं समझता हूँ कि ये विभाग आने वाले समय में भारत के युवाओं को बहुत ही अच्छा दिन दिखाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. उपसभापति जी, मैं अपनी वाणी को विराम देने देते समय इतना ही बोलना चाहता हूँ, दो लाइन कि हमारे यहाँ जब बहू चलती है घर से विदा होके, बस एक लाइन हो गया खत्म. हमारे यहाँ से जब बहू जाती है विदा होके तो यही कहती है कि सोना मत दीह बाबा, चानी मत दीह, बस हुनरवा दीह ना, ससुरवा हमके पूजे, बस हुनरवा दीह ना. बहुत बहुत धन्यवाद.